तुर्की के दक्षिण पश्चिम में बोद्रुम के पास एक खाड़ी में एक सुपर यॉट है। लगभग 80 मीटर लंबे टाइटन पर बरमूडा का झंडा लगा है, लेकिन ये एक रूसी ओलिगार्क अलेक्जेंडर अब्रामोव का जहाज है, जिसे स्टील का राजा कहा जाता है। वो क्रेमलिन के उन दर्जन भर सहयोगियों में से एक हैं, जो रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद अपने यॉट यहाँ ले आए, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बच सकें। स्थानीय पत्रकार यासर आंतेर ने दुनिया के कुछ सबसे शानदार यॉट को ट्रैक किया है। अपने विषयों को फिल्माने के लिए उन्हें अब भूमध्य सागर का इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर रूसी अरबपति यहाँ आ रहे हैं तो इस वजह से, क्योंकि तुर्की यूक्रेन और रूस के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए मार्च अप्रैल में शुरुआती यॉर्ट्स का इस इलाके में आना और लंगर डालना शुरू हुआ। फ्रांस, इटली, अमेरिका और साथ ही यहाँ स्पेन में रूसी ओलिगार्कों के दर्जनों ऐसे जहाजों को जब्त किया जा चुका है। पाल्मा दे मायोर्का में गार्डिया सिविल राष्ट्रीय पुलिस बल ने व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी के 78 मीटर लंबे यॉट टैंगो को जब्त करने में अमेरिकी अधिकारियों और FBI का साथ दिया। कई ओलिगार्क जो रूस छोड़ने में सक्षम थे, उन्होंने तुर्की जाने का फैसला किया। वहाँ जो यॉट दिख रहा है उसका नाम सोलारिस है, वह रोमान अब्रामोविच का है। यह मार्च से यही है और बंदरगाह से हिला भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। सोलारिस की लंबाई 140 मीटर है और कीमत 400 मिलियन यूरो से अधिक है। इसके मालिक रोमान अब्रामोविच रूस के सबसे मशहूर अरबपति हैं। उनका ये शानदार जहाज सख्त सुरक्षा वाले किले जैसा है। उस जहाज तक पहुंचना मुश्किल है। जहाज का ढांचा मजबूत स्टील का बना है और इसमें जैमर लगे हैं, जो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर 300 से 400 मीटर की परिधि में आने वाले पत्रकारों के कैमरे और मोबाइल फोन निष्क्रिय कर देते हैं। सोलारिस पर एक खास सुरक्षा दस्ता भी है। करीब 20 से 25 लोग हैं उसमें, जिन्हें सैन्य प्रशिक्षण मिला हुआ है। सुरक्षा उपायों के बावजूद यूक्रेनी कार्यकर्ताओं का एक समूह बोद्रुम में सोलारिस के आने का विरोध करने में कामयाब रहा। यूक्रेन में युद्ध नहीं। मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों से स्थिति नहीं बदलेगी। तुर्की में रूसी जहाजों के मालिकों के लिए डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी धन और अकूत शक्ति के प्रतीक के तौर ये सुपर यॉट अभूतपूर्व रूप से लोगों की समीक्षा के दायरे में आ रहे हैं। मोनाको, सुपर यॉट की वैश्विक राजधानी, वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय यॉट शो के लिए दुनिया के 100 से अधिक शानदार यॉट यहाँ लंगर डाले हुए हैं। लगभग 530 प्रदर्शकों को इस क्षेत्र में हुए नए विकासों के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें 1 मिलियन यूरो से अधिक कीमत वाली ये छोटी सहायक पनडुब्बी भी शामिल है। इंटीरियर डिजाइन सहित सुपर यॉट उद्योग के सभी पहलुओं को यहाँ दिखाया गया है। सबरीना मोंटेलियोने ओइनो मोनाको की सबसे अगुआ डिजाइनरों में से एक हैं। हम उनकी बनाई ताजा तरीन कृतियों को करीब से देखने के लिए उनके साथ हैं। हम जिस यॉट पर हैं, उसका काम अभी ही पूरा हुआ है। हमने इसकी सामान्य रिफिटिंग की और नया रूप दिया। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इसे देखने की अनुमति दी गई है। आप जानते हैं कि हमारे ग्राहक बहुत निजी रहना पसंद करते हैं। इसमें बहुत अच्छा बार और लाउंज है। हमने इसमें नीला और सफेद रंग इस्तेमाल किया, जैसा ग्राहक चाहते थे। उनकी पसंद के मुताबिक केबिन डिजाइन करने में बड़ा मजा आया। केबिन बहुत सादा है। इस नाव में बहुत सादगी है। इन सभी जहाजों में एक बात समान है, वे बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत करते हैं। इस तरह का एक सुपर यॉट प्रति घंटे लगभग 500 लीटर डीजल की खपत करता है और दुनिया भर में ऐसे लगभग 5000 जहाज हैं। उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, लेकिन विकल्प भी मौजूद हैं। ये मौज मस्ती छोड़कर हम फ्रांसिस लाप से मिलने पोलैंड रवाना होते हैं। वो फ्रांस के हैं और एक नया चलन विकसित करने में जुटे हैं, इलेक्ट्रिक यॉट। उनकी नावें सौर ऊर्जा से चलती हैं।
हमने जहाज के मुख्य ढांचे में सोलर सेल्स लगाए हैं। आप इस पर हथौड़े से वार कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। लोग अब ऐसे यॉट पर नहीं सफर करना चाहते जो हजारों लीटर ईंधन पीता हो। उनका ये नया मॉडल मैरी जोसेफ दुबई में परीक्षण के अपने अंतिम चरण से गुजरेगा। उम्मीद की जा रही है कि ये सनसनी फैला देगा। आपका फिर स्वागत है। हाँ, कोई शोर नहीं, ईंधन की गंध नहीं, सौर तकनीक नौकायन क्षेत्र में बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। तो उन्हें अपने नाव को बस आईफोन की तरह चार्ज रखना होगा। आप लोकप्रिय होने वाले हैं। जी हाँ, सब इसके बारे में बात करने वाले हैं। यॉट की बिक्री जोरों पर है और सिर्फ दुबई में ही नहीं, पूरे अरब प्रायद्वीप में लग्जरी जहाजों का बुखार सा चढ़ गया है। सऊदी अरब इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संभावना वाले देशों में एक है। बाईं ओर देश के दूसरे सबसे बड़े शहर जेद्दा में केवल 6 महीने के भीतर सैकड़ों नावों की क्षमता वाला एक बंदरगाह बना दिया गया। मेरा मानना है कि ये एक साथ मोनाको और मालदीव का भविष्य बदल देगा। इस रफ्तार से सेरेनिटी जैसे अधिक से अधिक सुपर यॉट लाल सागर में घूम रहे होंगे। हांगकांग में फ्रांसीसी व्यवसायी एरिक नोएल 10 वर्षों से इस धंधे में है। वो यॉट के शेयर खरीदते और बेचते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ये यॉट करीब $60 लाख का है। इसे 3 भाग में बांटे तो रकम $20 लाख होगी। अपना कारोबार चालू रखने के लिए एरिक लगातार अच्छे मौकों की तलाश में रहते हैं। ये एक अद्भुत यॉट है। इसकी लंबाई 65 मीटर है, हांगकांग में सबसे बड़ी। मैं इसके मालिक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक संभावित खरीदार है। नए बाजार, अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार से लैस सुपर यॉट उद्योग अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी यॉट प्रेमियों के सबसे लोकप्रिय ठिकानों में से एक है। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हुआ ये शहर दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, कारोबार और जहाज। भव्य सेरेनिटी यॉट मरीना में समंदर किनारे लगा हुआ है। 72 मीटर लंबा यह जहाज एक बेहद अमीर ग्रीक लेबनानी कारोबारी का है। इसमें 30 मेहमानों के लिए कमरे हैं। नाव में 4 डेक, 15 लग्जरी कैबिन, निजी सैलून और एक सिनेमा घर भी है। आज यॉट के रवाना होने से पहले ग्रेगरी आखिरी बार बारीकी से मुआयना करते हैं। इरीना, क्या तुमने उन केबिनों की जांच की जिन्हें मैंने कल रात मेहमानों के लिए खोला था? ठीक है। मूल रूप से ग्रीस के रहने वाले ग्रेगरी 2017 से सेरेनिटी के प्रबंधक हैं। अभी वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। इरीना, क्या तुमने बाथरूम मास्टर में शावर के ऊपरी हिस्से को ठीक किया है? दरवाजा? हाँ हाँ। यॉट को सुरक्षित बंदरगाह से निकालने के लिए कप्तान ने सऊदी अरब के एक स्थानीय पायलट की सहायता ली। आप इंजन शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे। ये दरअसल बहुत तंग जगह है। ऐसी जगह भी हैं जहां ड्राफ्ट केवल 3 मीटर है, मतलब नहर से निकलने के लिए केवल कुछ सेंटीमीटर की जगह है और हम बिल्कुल सीमा से सटकर गुजर रहे हैं। इस वजह से हमें नहर के ठीक बीच में से निकलना है। पायलट बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि इस इलाके में उन्होंने बहुत काम किया है। एकदम बढ़िया, बहुत धन्यवाद कप्तान। धन्यवाद, और हम संपर्क में रहेंगे। आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। शुभ यात्रा, अलविदा। मिशन पूरा हुआ। सेरेनिटी अब खुले समुद्र की ओर बढ़ रही है। कप्तान सऊदी अरब के दूसरे सबसे बड़े शहर जेद्दा की ओर रुख करते हैं। पहुंचने में केवल 5 घंटे लगेंगे, लेकिन इन दिनों लाल सागर में नौका ले जाना जोखिम भरा हो सकता है। मत भूलिए कि 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ जेद्दा के अरामको स्टोरेज पर यमन से ड्रोन हमला किया था। इसका मतलब है कि हालात खतरनाक हैं।
क्योंकि अगर आपको ये छोड़कर जाना है और चालक दल बाहर है और आप इस इलाके से गुजरते हैं तो आपको खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कप्तान के पास खतरे का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जाने से पहले उन्होंने यॉट के टैंकों में 22,000 लीटर डीजल भर दिया है। कोत दा जुओ में इसके लिए करीब 40,000 यूरो खर्च करने पड़ते। सुपर यॉट बहुत गैस खाते हैं, लेकिन अब विकल्प मौजूद हैं। शायद हैरानी की बात है कि बाल्टिक सागर के किनारे पोलैंड में नौकायन के भविष्य की शुरुआत हो गई थी। गदान्स्क शहर भूतपूर्व लेनिन शिपयार्ड का घर है। यहीं लेख वालेंसा की सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन की शुरुआत हुई, जिसने कम्युनिस्ट शासन को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीस साल बाद शहर के शिपयार्ड में एक तकनीकी क्रांति हो रही है। फ्रांसिस लाप इसमें अग्रणी है। एल्जास में पैदा हुए लाप ने दीवार गिरने के बाद अपना देश छोड़ दिया और निर्माण उद्योग में खूब तरक्की की। 19 साल पहले वो यॉट के कारोबार में उतरे। 20 साल पहले पोलैंड विलासिता के लिए नहीं जाना जाता था। फ्रांसिस लाप बहुत कामयाब है। उनके शिपयार्ड के लिए ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान में वहाँ 36 जहाज निर्माणाधीन है, जिनमें 10 का काम पूरा होने वाला है। स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल तैयार सामग्री उनकी बिक्री के प्रमुख आधार हैं। लोग अब ऐसे यॉट पर नहीं जाना चाहते जिसमें हजारों लीटर ईंधन खर्च होता हो। ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अब बच्चे भी माता पिता से कहते मिल जाएंगे, क्या आपने देखा है हम कितना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांसिस लाप के यहाँ करीब 2,000 लोग काम करते हैं। उनकी फर्म अत्याधुनिक तकनीकों के साथ बने रहने के लिए अनुसंधान और विकास पर बहुत अधिक जोर देती है। ये मॉडल हम आपको प्रोडक्शन में दिखाएंगे। हम सभी विवरण नहीं बता सकते। क्या वे गोपनीय हैं? हाँ, कई राज हैं। सनरीफ की ताकत ये है कि हम सब कुछ खुद करते हैं। हम साइट पर ही सब बनाते हैं, जहाज के मुख्य हिस्से से लेकर कार्बन मास्क तक। नई तकनीकों से जुड़ा सारा काम यही होता है, यही हमारी ताकत है। अधिकतर इंजीनियरिंग फर्मों के पास इतना बड़ा अनुसंधान और विकास केंद्र नहीं होता। फ्रांसिस के बेटे निकोलस तकनीकी नवाचारों का ध्यान रखते हैं। जहाजों के इलेक्ट्रिक मोटरों को ताकत देने के लिए उन्होंने ये अनोखे सौर पैनल विकसित किए हैं। हाथ से बने और साइट पर ही निर्मित इन सौर पैनलों को किसी भी सतह के अनुरूप ढाला जा सकता है। ये ऐसा दिखता है। अतिरिक्त लचीले पैनल को बाद में जहाज के मुख्य हिस्से पर लगा दिया जाएगा। वे बहुत ज्यादा हल्के हैं और उन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लेटें व्यवहारिक रूप से बहुत पतले और बेहद मजबूत हैं। अपने वर्कशॉप में फ्रांसिस लाप गर्व और खुशी से अपना बनाया गया एक ऐसा यॉट दिखाते हैं जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। ये रहा एकदम खास पेशकश। 24 मीटर का ये केटामरान पूरी तरह से पवन और सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ये एक हफ्ते में चालू हो जाना चाहिए। सौर पैनल जहाज के मुख्य ढांचे का हिस्सा हैं। ये हमारी कंपनी का पेटेंट है। इसका फायदा ये है कि ये केवल चिपकाए नहीं गए हैं, हमने सौर सेल को जहाज के मुख्य हिस्से में शामिल किया है। इसकी मजबूती देखनी हो तो आप इसे हथौड़े से मार सकते हैं। ये अटूट है। इससे हम उन बैटरियों को रिचार्ज कर सकते हैं जो दो इंजनों को साफ बिजली मुहैया कराती है। अब हम जहाज के केंद्र में जा रहे हैं।
पहले मैं जाऊंगा। हम यहाँ जहाज के केंद्र में हैं। इस कमरे की छत की ऊंचाई 70 से 85 सेंटीमीटर है। हमने बिजली से जुड़ी सभी चीजों को यहाँ रखा है, इसलिए इसे जहाज का नियंत्रण केंद्र कह सकते हैं। हमने यहाँ एक विशाल बैटरियों का समूह रखा है। कुल मिलाकर बैटरी का वजन 3 टन है। हम यहाँ और भी रख सकते थे, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से इतना पर्याप्त है। पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी के नियम का एकमात्र अपवाद ये आपातकालीन जनरेटर है, जो सूर्य के चमकने या सिस्टम के नाकाम होने की स्थिति में अतिरिक्त पावर मुहैया कराएगा। जल्द ही ये यॉट अरब अमीरात के गर्म पानी में तैरने लगेगी। इसका नाम है मैरी जोसेफ। मैरी जोसेफ ही क्यों? मेरी माँ का नाम है मैरी, मैरी लुइस, और मेरे पिता का नाम जोसेफ है। उन्होंने मुझे जो जिंदगी दी उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता था, इसलिए मैंने इस जहाज का नाम मैरी जोसेफ रखा। इस कैटामरान की कीमत 7 मिलियन यूरो आंकी गई है, लेकिन लाभ इसे बेचना नहीं चाहते हैं। वो इसे अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहते हैं और अपनी क्रांतिकारी तकनीक के प्रचार के लिए भी। एक हफ्ते बाद जहाज बर्फीले बाल्टिक सागर से गर्म पानी की ओर जाने के लिए तैयार है। मैरी जोसेफ एक नौकावाहक पर अमीरात के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगी। क्रॉसिंग में 1 महीना लग सकता है और इसमें फ्रांसिस लाभ के 3 लाख यूरो खर्च होंगे। मार्च के सालाना दुबई बोट शो में केटामरान को पेश किया जाएगा, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, सारी चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती हैं। पहला पड़ाव एक दूसरा महाद्वीप है। स्वागत है हांगकांग में। 75 लाख लोगों की घनी बसाहट वाला महानगर, दक्षिण चीन सागर पर स्थित चीन के इस व्यापारिक केंद्र में कई बंदरगाह हैं। इनमें से एक है हांगकांग द्वीप पर एबरडीन हार्बर। वहां जाने के लिए आप एक स्थानीय टैक्सी या जंक ले सकते हैं। चिंता मत करो, मैं इस इलाके से वाकिफ हूँ। मैं बताऊंगा कि वहां कैसे पहुंचा जाए। एरिक नोएल, जो कि फ्रांसीसी हैं, 2013 से हांगकांग में रह रहे हैं। यॉट के इस शानदार कारोबार में आने से पहले उन्होंने टॉयलेट ब्रश के कारोबार में दौलत कमाई। जहाज रास्ते में है, इसे आज यार्ड में भेजा गया था और ये जनवरी के अंत तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। मैं इसे आपको फरवरी की शुरुआत में दिखा सकता हूँ, मुमकिन है फरवरी के पहले हफ्ते में ही। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद सिद्रिक, जल्द मिलते हैं। कौन था? एक ग्राहक था जो मेरे पास मौजूद जहाजों में से एक को खरीदना चाहता है। उसे मैं 10 सालों से जानता हूँ। हाल ही में एक भयंकर तूफान में उसने अपना जहाज खो दिया, वो डूब गया। उसे जहाजों से प्यार है। वो एक फ्रांसीसी उद्यमी है जिसके पास नजदीक ही में एक बड़ी फैक्ट्री है। वो चेक भेजने से पहले जहाज को दोबारा देखना चाहता है। वो कहता है कि पैसा तैयार है, इसलिए सब ठीक होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। एरिक अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं देते हैं। वो यॉट बेचते हैं और यॉट शेयरिंग का भी विकल्प देते हैं, जो इस समय काफी चलन में है। कई जहाज मालिक सीजन में लागत और जहाज के इस्तेमाल में साझेदारी करते हैं। ये इस समय हमारे पास बिक्री के लिए तैयार है। ये एक कमाल का जहाज है। इसका मालिक और उस यॉट का मालिक एक ही है। एबरडीन मरीना क्लब हांगकांग में सबसे बड़ा नावों का बंदरगाह है और वहाँ बहुत सारे आलीशान जहाज हैं। शहर के 20 सबसे अमीर लोग यहाँ अपने जहाज रखते हैं। ये मेरा सुंदर दफ्तर है। हमने एक ऐसी कंपनी से साझेदारी की है जो सुपर यॉट में दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। आम ग्राहकों के लिए हमारे पास सामान्य जहाज हैं, जिन्हें हम किराए पर देते हैं, जैसे थाईलैंड, हांगकांग या इंडोनेशिया में। और ये वो जहाज हैं जिन्हें हम बिक्री के लिए रखते हैं। हमारे पास तुर्की, पोलैंड या ब्रिटेन से नए और पुराने जहाज हैं। इस 50 वर्षीय व्यवसायी के हाथों 6 अलग अलग देशों के 15 कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व है। हेलो, हेलो एडम, हेलो, सब ठीक? एरिक आज एक संभावित ग्राहक से मिलने वाले हैं।
ये समझने के लिए कि वो क्या चाहता है हमें उससे सुनना होगा। उसके पास पहले दो जहाज थे, उसके परिवार के पास एक 100 फुट का जहाज था और उसके पास एक निजी अटलांटिस 50 हुआ करता था। उसके पास हमेशा से जहाज रहे हैं। अभी भी उसके पास 21 मीटर का यॉट है जो कि यॉट के हिसाब से बहुत बड़ा है और उसके परिवार के पास हमेशा से 30 मीटर लंबे जहाज रहे हैं। पिछली बार जब हमने फोन पर बात की थी तो वो अपने परिवार वाले जहाज से छुटकारा पाना चाहता था और 40 मीटर का मॉडल खरीदना चाहता था। एरिक ग्राहक से पहली बार मिल रहे हैं। 40 साल का यह संभावित खरीदार हांगकांग के एक रेस्तरां कारोबारियों के परिवार से है। वो एरिक को उनकी ख्याति के कारण जानता है। हम जानते हैं कि एरिक इस कारोबार में काफी पेशेवर हैं, इसलिए हमने कुछ वक्त साथ बिताने की सोची और वो हमारी प्राथमिकताएं समझना पसंद करते हैं, तो बस इसलिए हम आज साथ हैं। We're together today. नाव कितनी पुरानी है? It was a 2000. ये 2013 का प्रीडेटर 68 था. Predator 68. Okay. Cheers. Cheers. दोनों के बीच अच्छी बन रही है, लेकिन एरिक ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। ये गोपनीय है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन गिलबर्ट यकीनन उस तरह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनके पास हमेशा से जहाज रहे हैं और उनके पास आगे भी हमेशा जहाज रहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम करीब रहें और मैं उनकी जरूरत समझूं कि इन जहाजों से उन्हें क्या दिक्कत हो रही है और जितना मुमकिन हो मैं उनकी मदद कर सकूं। आज कोई सौदा नहीं हुआ, लेकिन वे संपर्क में रहेंगे। जब एरिक काम नहीं कर रहे होते हैं तो वो अपना खाली वक्त यॉट पर बिताना पसंद करते हैं। हम उनसे फुकेट थाईलैंड में फिर मिलेंगे। अब हम संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं, दुबई की ओर, जो कि रेगिस्तान में पेट्रो डॉलर से बना शहर है। ये गगनचुंबी इमारतों, समुद्र तटों और अतिरेक विलासिता से भरपूर है। पर्यटक स्थलों से दूर एक नई क्रांति आकार ले रही है। काले सोने से हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ रहे हैं। सिटी सेंटर से 1 घंटे की दूरी पर मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क है, जो एक ही जगह स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। उनकी गाड़ी मुख्य सड़क से नीचे उतरने पर हम दोबारा फ्रांसिस लाप से मिलते हैं। पोलैंड के ठंडे तापमान से बहुत दूर इसी रेगिस्तान में ये सब शुरू हुआ था। यहीं पर पहली बार मुझे सौर पैनलों को जहाज में फिट करने और उसे पर्यावरण के अनुकूल बनाने का विचार आया था। 3 साल से भी कुछ पहले मैंने पहला सोलर पैनल खरीदा और परीक्षण शुरू किया। आज हमारे पास बाजार में उतारने के लिए तैयार उत्पाद हैं और हम पूरी तरह से स्वायत्त जहाज दे रहे हैं। मांग बढ़ी है। 15 साल ग्राहकों की मुख्य दिलचस्पी तेज जहाज खरीदने में थी। आजकल गति ज्यादा मायने नहीं रखती। इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ सस्टेनेबल विकल्पों की मांग बढ़ रही है। अब उन्हें केवल नए ग्राहकों का दिल जीतने की जरूरत है। ये अल्सेशियन व्यापारी दुबई में आयोजित होने वाले सालाना इंटरनेशनल बोट शो में भाग लेने जा रहे हैं। दुनिया भर से लगभग 1 दर्जन प्रदर्शक अपने ताजा तरीन उत्पाद पेश करने यहाँ आए हैं। वे आलीशान उत्पाद बनाते हैं ऐसे ग्राहकों के लिए जिनके बजट की कोई सीमा नहीं है। फ्रांसिस लाप ने अपने ट्रेड फेयर स्टैंड के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने अपने ग्राहकों के स्वागत के लिए पोलैंड से 1 दर्जन कर्मचारियों को बुलाया है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। मैरी जोसेफ अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। कैसे हैं? मैं बस पूछ रहा था कि आप क्या दिखा रहे हैं। 80 सेलिंग इको फुल इलेक्ट्रिक। ये जहाज मई के अंत तक दुबई पहुँचेगा, जब भी आप देख सके। ठीक, बहुत अच्छा। वो जानना चाहता था कि जहाज यहाँ कब पहुँचेगा। बेशक वह इसे करीब से देखना और छूना चाहता होगा। जहाज आ रहा है, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया है और अब वह संपर्क में रहेगा। हम देखने वालों के लिए निजी आयोजन भी करेंगे। जहाज को क्या हो रहा है? कोविड के बाद से कई दिक्कतें आई हैं।
हर चीज में देरी हो रही है और कोई इसकी वजह नहीं जानता। इस ऐप से मैं यॉट को आसानी से खोज सकता हूँ। मैं उस पर टैप करके नौका वाहक को देख सकता हूँ। ये ओमान के तट से निकल गया है और 13 समुद्री मील की गति से चल रहा है। कल स्थानीय समय के मुताबिक 2 बजे दोपहर में यहाँ पहुँच जाएगा। हम यहाँ दुबई में हैं और जहाज अभी इस इलाके में है। ये दुबई की तरफ निकल चुका है। एक महीने से अधिक की देरी कारोबार के लिए अच्छी चीज नहीं है, फिर भी सौर ऊर्जा से चलने वाले जहाजों में काफी रुचि दिखाई दे रही है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ पहले से ही मौजूद है। मुझे कैटामरान पसंद है क्योंकि वे अधिक कुशल हैं, लेकिन मैं देखूंगा और सीखूंगा। मुझे लगता है कि उसकी गहरी दिलचस्पी है। वो एक और जहाज चाहता है। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, यकीनन इसे खरीद सकता है। क्या उसे इलेक्ट्रिक मोटर पसंद आई? बिल्कुल, ये बाजार में एकदम नया है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल में ये मानक हो जाएगा। बाकी लोग भी यही दे रहे होंगे। अपने इलेक्ट्रिक यॉट के साथ फ्रांसिस लाप इस उद्योग के बड़े नामों में से एक हैं। हालांकि उन्हें अपना बड़ा खुलासा अभी टालना पड़ा है। मैरी जोसेफ, जो पूरी तरह से हरित बिजली से चलती है, लंबे इंतजार के बाद अगले कुछ दिनों में लोगों के सामने पेश होगी। लाल सागर पर अरब प्रायद्वीप के दूसरी ओर सेरेनिटी अपने गंतव्य बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। एक शांत क्रॉसिंग के बाद धीरे धीरे क्षितिज पर जेद्दा नजर आने लगा है। ब्रिज पर कप्तान बंदरगाह में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रवेश का रास्ता साफ दिख रहा है, क्या हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं? जेद्दा मरीना केवल 6 महीने की निर्माण अवधि के बाद हाल ही में खोला गया। रेस्तरां, बुटीक और सेलिंग क्लबों की बहुतायत वाले मरीना का निर्माण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया के 100 सबसे शानदार यॉट्स के लिए यहाँ जगह बन चुकी है। जैसे वैलेरी, ये एक 85 मीटर लंबी नौका है जो एक रूसी ओलिगार्क की संपत्ति है। इसे स्पेन में जब्त करके रखा गया है। वैलेरी का आगमन देखने के लिए लोग घाट पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। नाव के बंदरगाह पर लग जाने के बाद अब समय है कि कप्तान अगले यात्रियों का स्वागत करेंगे। सराफिम, ग्राहक कहाँ है? किसकी बात कर रहे हैं? ओ, ऑफ ब्रिज डेक। स्लापर डेक? शायद ऊपरी डेक पर। ब्रिज डेक, चलो चलते हैं। आज के ग्राहक हैं सऊदी अरब का एक रईस परिवार जो इवेंट मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं। हाय, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है। ये मेरे पिता हैं, बबाक। हाँ, मुझे याद है। डैडी, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है, आपको देखकर अच्छा लगा। अगले फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री के दौरान मोहम्मद और उनके पिता कुछ दिनों के लिए यॉट इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी बंदरगाह से निकले बिना। हम यॉट कहाँ ले जाएंगे? वहाँ जाएंगे? हम वहाँ जाएंगे, उस दीवार के पास जो वहाँ मरीना के ठीक बगल में है, सॉरी, यॉट क्लब के। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं वहाँ रहूँ? हाँ बिल्कुल। वहाँ आप जहाज का कौन सा हिस्सा चाहते हैं? कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ अच्छे आयोजन करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। आज रात में भी कार्यक्रम है, कल की शाम भी खूबसूरत होगी। इसकी सबसे अच्छी चीज है इसका डेक स्पेस। आपको इस डेक स्पेस जैसा और 70 मीटर वाला जहाज नहीं मिलेगा, केबिन और इतने कमरों के साथ। हाँ, लेकिन अच्छे से प्राथमिकता चुनिए। नंबर 1 पर है चालक दल और कप्तान। ये हुई ना बात। नंबर 1 पर है चालक दल और कप्तान। दोनों पक्ष जल्द ही कीमत तय कर लेते हैं। ये परिवार यॉट के लिए हफ्ते का 5 लाख यूरो किराया देगा। ये एक निवेश है, हम नहीं लेकिन कुछ लोग बेशक इसे मजे के लिए लेते हैं। हम यहाँ कारोबार करते हैं, हम मेहमान नवाजी के लिए जहाज किराए पर लेते हैं, F1 की मेहमान नवाजी। आप यॉट से रेस देख सकते हैं, खान पान की व्यवस्था होती है, हम पूरे जहाज पर स्क्रीन लगाते हैं ताकि आप खुद रेस देख सकें।
तो ये हमारे लिए कारोबार है, ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। हालांकि काम पूरा होने के बाद हमारे पास 2 दिन बचेंगे जिसे हम मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, तो हम अच्छा वक्त गुजारेंगे। सऊदी अरब में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि निजी मुलाकातों को कैमरों और जनता दोनों की नजरों से दूर रखा जाए। हालांकि यहां के लोगों के लिए यॉट एक बड़ा आकर्षण है, दर्शक घाट से ही इनकी एक झलक पाने की कोशिश करते हैं। मैं तो केवल सपने में ही इस तरह के जहाज को देखने की कामना करता हूं। ये महल जैसा है, सबको ये पसंद है और मेरे पास भी एक होना चाहिए। आम लोगों के लिए ये सपना शायद पहुंच से बाहर है, लेकिन कुछ लोगों को यॉट पर कुछ पल गुजारने का मौका मिल जाता है। थाईलैंड में अंडमान सागर के तट पर फुकेट के लंबे समुद्र तटों पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। हांगकांग के फ्रांसीसी उद्यमी एरिक नोएल एक आलीशान यॉट पर चढ़ने वाले हैं। डोल्चे वीता एक 33 मीटर लंबा जहाज है जो 30 समुद्री मील तक की गति से चल सकता है। 5 लोगों का दल अंतिम तैयारियों में जुटा है। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब नियंत्रण में है। हम मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, वे जल्दी यहाँ होंगे। 1 घंटे के भीतर एरिक नोएल अपनी पत्नी जूमी को और कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। हेलो, आप कैसे हैं यूमी? जहाज लाने के लिए बहुत धन्यवाद। आज यूमिको का जन्मदिन है। जश्न मनाने के लिए एरिक ने 1 सप्ताह की छुट्टी ली है और एक छोटी निजी समुद्री यात्रा का आयोजन किया है। यान, क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? 3 यॉट्स के सह मालिक एरिक ने आज डोल्चे वीता को एक खास वजह से चुना है। ये यॉट जल्द बिकने वाली है, इसीलिए हम आखिरी बार इसका आनंद लेना चाहते थे। आज यूमिको का जन्मदिन है, इसीलिए वो खुश हैं कि अपने दोस्तों के साथ इसका आनंद ले सकती हैं। ये अनुभवी कारोबारी अपने मेहमानों को यॉट दिखाते हैं, वो नए नए गैजेट भी दिखा रहे हैं। यहाँ बैठ जाओ, अपनी 2 अंगुलियों को इस पर और इस पर एक साथ दबाओ। वो जेम्स बॉन्ड की तरह? हाँ, ये जेम्स बॉन्ड जैसा है। अब तुम दबाओ। अब निशाना कहाँ है? ये मास्टर बेडरूम है। ये ब्रांड सुंदर आकर्षक जहाज बनाता है। ये पुराने जहाजों की तरह सिर्फ लकड़ियों से बना और भारी और रहस्यों से भरपूर नहीं है, बल्कि इससे उलट है, सफेद और रोशनी से भरा हुआ। आप नज़ारे का आनंद ले सकते हैं जिसके लिए कि आप यहाँ आए हैं। इस सफर के बाद अब पिछले डेक पर थोड़ा आराम करने का समय है, हाथ में कुछ ड्रिंक्स और साथ में कुछ मेहमान। अब आखिरकार एरिक डोंगी को उन्हें अपने पैडल बोर्ड पर खींचने दे सकते हैं। जहाज की ये यात्राएं भले मुख्य तौर पर मौज मस्ती के लिए होती हैं, लेकिन कारोबार कभी उनके दिमाग से ओझल नहीं होता। देखो, हमारा एक पड़ोसी आ रहा है, आखिरकार सुपर यॉट मेरा पेशा है, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा है। जब कोई जहाज आता है तो मैं देखता हूँ उसका नाम क्या है, उस पर कौन लोग हैं, वे कहाँ से हैं, कितने यात्री सवार हैं। लेकिन एरिक अच्छी तरह जानते हैं कि सुपर यॉट केवल बहुत ज्यादा अमीरों के लिए है। अगर मेरे पास बहुत पैसा होता, लेकिन एक सीमा के बाद ये मेरे लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है। मैं ऐसी चीज का खर्च नहीं उठा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी नौका ठीक ठाक आकार की है, इससे बड़ी होती तो बहुत महंगी हो जाती। यहाँ तक कि इस यॉट पर भी आपको 5 लोगों का चालक दल चाहिए, ये भी काफी बड़ा आकार है। पिछले 2 साल से एरिक एशियाई क्षेत्र में यॉट के सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक रहे हैं। 50 मीटर लंबा जहाज उनका अब तक का सबसे कमाई वाला सौदा रहा है, लेकिन उनका इरादा फिलहाल रुकने का नहीं है। यॉट उनका बड़ा जुनून है और उनकी पत्नी ये जानती हैं। ये मानो उसके जीन में है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसका जुनून ऐसा है, इसलिए मुझे खुशी है कि वह एक ऐसे कारोबार में है जिसके लिए वो बना है। So I'm glad that he's in the business that what he's
यह सिर्फ उसकी पसंद का मामला नहीं है, वो सही कारोबार में है। फ्रेंच में? मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। वो इसी कारोबार के लिए बना है। ये रहा मिनी फ्रेंच लेसन। उन रंगों को देखा, नारंगी खूबसूरत है। तमाम खूबसूरत पलों के बावजूद डोल्चे वीता अब कुछ हफ्तों में उनका नहीं रहेगा, लेकिन ये उद्यमी जल्द ही दूसरे जहाजों की सवारी करेंगे, जो कि उनके काम का एक शानदार पहलू है। इधर दुबई में अल्सेशियन उद्यमी फ्रांसिस लाप ने हमारा स्वागत किया। वो शहर के सबसे धनी इलाकों में से एक पाम जुमेराह द्वीप पर बस गए हैं। वो यहाँ अपनी पत्नी मुनेरा के साथ रहते हैं। मैं कभी कभार ही यहाँ रहता हूँ। मुझे पोलैंड में अपने 2000 कर्मचारियों की देखभाल करनी है। आमतौर पर मैं एक हफ्ता दुबई में और 3 हफ्ते पोलैंड में बिताता हूँ। आखिरकार फ्रांसिस राहत की सांस ले सकते हैं। उनका यॉट अभी अभी यहाँ पहुंचा है। 10 मिनट से भी कम समय में वे कार से मरीना पहुंच गए। फ्रांसिस का गौरव और उनकी खुशी मैरी जोसेफ 2 महीने पहले पोलैंड से रवाना हुई थी। किटामरान किसी भी समय मरीना पहुंचने वाला है। इसके लिए ये एक खास पल है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित उनका जहाज शानदार तरीके से मरीना में प्रवेश कर रहा है। कैसा लग रहा है? मैं काफी खुश हूँ। ये बिल्कुल नई तकनीक है और हम इसे पेश करने वाले पहले लोग हैं। ये कमाल है। ये बड़ा जहाज है। हाँ, सच में मेरी कल्पना से ज्यादा बड़ा है। उनका बेटा जो उनके साथ पोलैंड में काम करता है, उसने ये पूरी यात्रा की है। इसका नाम आपकी दादी और दादा के नाम पर है। मैरी जोसेफ यहाँ है और साथ ही असली मैरी और जोसेफ भी। मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। दादी खुद से कर सकती हैं। पूरा परिवार भावुक हो गया है। मातृभूमि के प्रति सम्मान के तौर पर कंपनी के लोगों में अल्सेशियन प्रेसेल नजर आता है। क्या सब ठीक है? क्या इसने पूरी यात्रा अच्छे से कर ली? सब ठीक लग रहा है ना? आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। गदांस्क में ये बहुत अलग दिख रहा था। ड्रेसिंग रूम यहाँ है। आपको रंग पसंद आए? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने नहीं सोचा था कि ये मुझे इतना भा जाएगा। ये एक भावुक पल है। मैंने इसे बड़ी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ये सच हो चुका है। यॉट के रवाना होने से पहले फ्रांसिस एक खास मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। शेख राशिद अल मक्तूम, दुबई के शासक, वो यहाँ रुकेंगे और हमसे मिलने आएंगे। शेख राशिद अल मक्तूम संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च गणमान्य व्यक्तियों में से एक हैं।
हेलो दोस्त, आपका फिर से स्वागत है। वेलकम बैक। कैसे हैं? अच्छा हूँ। हेलो मैडम, आप कैसी हैं? बढ़िया, शुक्रिया, आपका स्वागत है। बधाई हो, बधाई हो ये खूबसूरत लड़की। सभी के आ जाने पर पांच लोगों का दल काम पर लग जाता है। अब यात्रा शुरू करने का वक्त है। भविष्य के मुताबिक बनाया गया जहाज बंदरगाह से निकलता है। ये पहली यात्रा नौकायन के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। स्टीयरिंग केबिन में माहौल सुकून भरा है। दोनों इलेक्ट्रिक मोटर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये अच्छा है कि आपको शोर नहीं सुनाई देता। कोई कंपन नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ये क्या है। आप लोकप्रिय होने वाले हैं। हाँ, आज सब लोग इसके बारे में बात करेंगे। शानदार है ना ये नई तकनीक, आप क्या सोचते हैं? हाँ, हर कोई इसके बारे में बात करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पहली सोलर बैटरी वाली नाव है और 80 छोटी भी नहीं है। फ्रांसिस के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा है। मैरी जोसेफ एक कामयाबी है। यॉट अच्छे से आगे बढ़ रहा है, ईंधन की एक बूंद इस्तेमाल किए बिना। हम इसी की तो सराहना करते हैं। आखिरकार विलासिता यही है। जहाज तो एक बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी लग्जरी ये है कि इसमें शोर नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पीछे नहीं जा रहे हैं। साफ है कि अब कोई भी डीजल इंजन वाला जहाज नहीं खरीदना चाहेगा। आलीशान नौकायन अपने बेहद प्रदूषक वर्तमान से दूर भविष्य की ओर एक कदम है। जब पर्यावरण के लिए हानिकारक ईंधनों को छोड़ने की बात आती है तो इलेक्ट्रिक मोटर कई विकल्पों में से एक है। यकीनन फ्रांसिस लाप और दूसरे निर्माता ऊर्जा के उस अगले विकल्प पर काम करना शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन तकनीक।